नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी SST की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम SST में NCERT क्लास 8 की हिस्ट्री शुरू करेंगे। आज से हम क्या करेंगे, NCERT क्लास 8 की हिस्ट्री शुरू करेंगे और इसमें आज हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले चैप्टर का नाम क्या है। तो पहले चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कैसे, कब और कहाँ, जो कि NCERT क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। देखते हैं इसमें NCERT में क्या क्या दिया गया था। पहला पॉइंट है, जेम्स रेनल ने भारत का पहला नक्शा तैयार किया। तो जेम्स रेनल ने भारत में पहला नक्शा तैयार किया, तैयार करवाने को कहा किसने था, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला नक्शा किसने तैयार किया, जेम्स रेनल ने किया। इसको नोट कर लीजिएगा, पहला नक्शा किसने तैयार किया, जेम्स रेनल ने किया। कहा किसने था, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, और यह काम किसने दिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था, 1782 में दिया था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल का वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जेम्स रेनल ने भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद क्यों की थी, क्योंकि वह भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक थे। मतलब वे चाहते थे कि भारत गुलाम ही रहे, अंग्रेजों का शासन चलता रहे, और उनका क्या मानना था कि अगर हमें अपना प्रभुत्व दिखाना है, अगर हमें अपना वर्चस्व स्थापित करना है भारत देश पर, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भारत देश की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ है, भारत देश की बाउंड्रीज अर्थात भारत देश का नक्शा कहाँ है, कैसे है, इसको हमें ज़रूर जानना होगा अगर हमें पूरे भारत पर वर्चस्व स्थापित करना है। तो इसमें से प्रश्न क्या बन गया कि जेम्स रेनल ने भारत का पहला नक्शा तैयार किया था, कहा किसने था, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। कहा किसने था, 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। और जेम्स रेनल का क्या मानना था, अगर भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना है, वर्चस्व एकदम बनाए रखना है, तो भारत का नक्शा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, इसलिए हम इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। थोड़ा छोटा पहला चैप्टर है, इसलिए इसमें कम टॉपिक्स होते हैं। किसी भी बुक में आप देखेंगे पहले चैप्टर में क्या होता है कि कम ही टॉपिक होते हैं, चाहे वो जिस भी विषय की बुक हो, चाहे वो जिस कक्षा की बुक हो। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर था। तो रानी जो विक्टोरिया थी, उनका तीसरा बेटा क्या था, उसका नाम क्या था, राजकुमार आर्थर था। और इसकी उपाधि क्या थी, उपाधि से प्रश्न बन सकता है, ड्यूक ऑफ कनाट थी। इसकी उपाधि क्या थी, ड्यूक ऑफ कनाट, मतलब कनाट का क्या है, राजकुमार है। तो इसमें क्या था कि ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा कौन था, राजकुमार आर्थर था, और इसकी उपाधि ड्यूक ऑफ कनाट थी, अर्थात इसकी पदवी ड्यूक ऑफ कनाट की थी। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ध्यान रखिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। 1773 में बना, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। यह किस कब बना, 1773 में बना था गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं, आखिरी वायसराय कौन था, आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। इसको नोट कर लीजिएगा, आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। आगे, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक लिखी। तो 1870 में क्या हुआ था, स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था जेम्स मिल, इसने क्या किया कि तीन खंडों में एक बहुत बड़ी बुक लिखी। उस बुक का वो टाइटल क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया है, जो ब्रिटिश भारत है, उसका इतिहास। इसमें उन्होंने भारत के जो इतिहास है उसको तीन कालखंडों में बांटा। इसने इस बुक में भारत का इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। तो पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। आज क्या देखते हैं, आज आप क्या देखते हैं, आज आप देखते हैं प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास ना। लेकिन इन्होंने क्या बांटने का प्रयास किया था कि हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। आज उसके बाद भारतीय जो इतिहासकार थे, भारत के आज़ाद होने के बाद इनके इस जो इन्होंने इस प्रकार का विभाजन किया था, इसके इस विभाजन को उन्होंने नकारा और अपना क्या बताया कि भारत के इतिहास को या विश्व के इतिहास को पढ़ने का हमारे पास कैसा तरीका है, हम पहले प्राचीन इतिहास को एक भाग बांटेंगे, दूसरा भाग हमारा मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा जो 800 सन से 8000 सन तक होगा, उसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आधुनिक इतिहास हो जाएगा। तो इसमें वही बताया जा रहा है
कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ था जेम्स मिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन विशाल खंडों में, तीन पार्ट में अपनी बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसमें उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदी, मुस्लिम और ब्रिटिश तीन कालखंडों में बांटा था, जो कि बाद में नकारा गया था। और बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। और इसके जेम्स मिल के सुझाए वर्गीकरण से हटकर भारतीय इतिहासकार जो थे वो क्या देखते थे, वो इतिहास को तीन कालखंडों में बांटते थे वे भी, और वो कौन से थे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल या आधुनिक इतिहास। और इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं थी। इस विभाजन की भी समस्याएं क्या थी कि प्राचीन काल को कहां तक बांटना है ये इन्हें नहीं पता था, मध्यकालीन काल तो पता था, आधुनिक काल भी पता चल जाता था, लेकिन प्राचीन काल को हम कहां तक माने ये उनको नहीं पता चलता था। इतिहास को इन खंडों में बांटने का यह समझ पश्चिम से आई थी, ध्यान रखिएगा। इसमें एक समस्या ये भी थी कि इस प्रकार भी बांटने का जो तरीका है ये भी पश्चिम देश से ही आया था। इस तरीका जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक है, ये भी बांटने का जो तरीका है इतिहास का, ये भी पश्चिम देशों से आया था, पश्चिमी देशों से ही आया था। आगे अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे। तो अंग्रेजों को यह भी लगता था कि आगे जो आने वाली हमारे जो गवर्नर होंगे या आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी उनके लिए बहुत सारे दस्तावेज इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए दस्तावेजों और पत्रों को हमें संभाल कर रखना चाहिए। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में क्या कहा, अभिलेख कक्ष बना लिया गया था। 19वीं सदी के शुरुआती साल में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी। और 19वीं सदी की शुरुआत में क्या होता था कि इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक एकदम इसकी नकल बनाई जाती थी, और उसे बनाने वाले खुशनवीसी होते थे। उसे बनाने वाले क्या होते थे, खुशनवीसी होते थे। और ये क्या करते थे, जब नकल बन जाती थी तो एक नकल को, जो नकल बनाई जाती थी उसको दस्तावेज में या अभिलेखागार में रख दिया जाता था। और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, अंग्रेज़ क्या सोचते थे, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। पहले तो जो इंपॉर्टेंस दस्तावेज होंगे उससे आगे आने वाले जो अंग्रेज होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा, जैसे कुछ क्रांतिकारी घटना होती थी, जैसे 1857 की क्रांति है, तो आगे अगर दस्तावेज उसके सारे लिखे गए होंगे, उसकी जीवनी अगर लिखी होगी, तो बाकी जो आने वाले अंग्रेज होंगे, अंग्रेजों की पीढ़ी को पता चल जाएगा हमने गलती कहाँ की थी। इस प्रकार ये लोग सोचते थे। आगे देखते हैं, खुशनवीसी या सुलेखनवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। तो खुशनवीसी होते क्या थे, सुलेखनवीसी होते कौन थे, ऐसे लोग होते थे, ये बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे और चीज़ों की हूबहू कॉपी कर लेते थे, मतलब इनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी और चीज़ों को हूबहू लिख देते थे। आगे अगला हमारा शायद आज का लास्ट ही पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बना था। ये है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की पिक्चर, ये 1920 में बना था। ये कब बना, 1920 में बना था। एक बार रिविज़न कर लेते हैं इसका रिविज़न। पहला पॉइंट क्या था कि भारत का पहला नक्शा जेम्स रेनल ने तैयार किया था 1782 में, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था इसलिए तैयार किया था। जेम्स रेनल का कथन क्या था, ये अंग्रेजी शासन के प्रबल समर्थक थे और इनका मानना था कि अगर हमें वर्चस्व स्थापित करना है भारत देश पे तो नक्शा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा जो बेटा था उसका नाम राजकुमार आर्थर था, और इसकी जो पदवी थी वो ड्यूक ऑफ कनाट थी। इसकी पदवी क्या थी, ड्यूक ऑफ कनाट थी। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था, 1773 में बना था, ये 1773 में गवर्नर जनरल बना था। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला इसके बाद दिया गया था पॉइंट कि 1817 के स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल, इन्होंने अपनी बुक लिखी। बुक का टाइटल क्या था, बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास। और इसमें क्या था, इन्होंने तीन पार्ट में इस बुक को लिखी। और इसमें क्या हुआ कि इतिहास को इन्होंने तीन भागों में बांटा, पहला हिंदू इतिहास, दूसरा मुस्लिम इतिहास, तीसरा ब्रिटिश इतिहास। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए इस वर्गीकरण को भारतीय इतिहासकारों ने नकारा, और उन्होंने आमतौर पर इतिहास को तीन भागों में उन्होंने भी बांटा, पर वे तीन भाग कौन से थे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसकी भी अपनी समस्याएँ थी कि ये भी जो तरीका है, यह भी जो समझ है इतिहास को बांटने की, यह भी पश्चिमी देश से भी आई थी। आगे है कि अंग्रेजों को लगता था कि जो तमाम दस्तावेज और पत्र हैं वो बहुत ज़्यादा ही अहम हैं और इनको हमें संभाल के रखना चाहिए, इसलिए वे लगभग सभी सरकारी संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाते थे और सभी दस्तावेजों को वहीं रखते थे। और ये क्या करते थे
कि शुरुआती 19वीं सदी के शुरुआती सालों में ये इन दस्तावेजों की बहुत सावधानीपूर्वक नकल बनवाते थे। किससे? खुशनवीसियों से। खुशनवीसी कौन होते थे? खुशनवीसी या सुलेखनवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे और हूबहू कॉपी ही कर देते थे। आगे लास्ट पॉइंट था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बना, जिसकी पिक्चर ये है। इसमें क्या है कि जो बहुत सारे महत्वपूर्ण अभिलेख होते थे यहीं इसको रखे जाते थे संभाल कर। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दे दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, और PDF वहीं पर डल जाएगी। चलिए फिर, धन्यवाद।